हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मोटिवेशन फन एंड एंटरटेनिंग टेल्स। मैं हूं आपकी दोस्त निशा। आज हाजिर हूं एक नॉवल की समरी के साथ। नॉवल जिसमें सीखने को मिलेंगे हमें लाइफ के बहुत सारे लेसन्स, बेस्ड है दुनिया के सबसे प्योर रिलेशनशिप, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के ऊपर। ये नॉवल जिसका नाम है ट्यूजडेज विद मोरी बाय मिच एल्बम। मिच जिनकी लाइफ का ये मेम्बर है, एक फिलोसॉफिकल नॉवल है, लिखी गई थी 1997 में। मैच जो कि डेट्रॉइट फ्री प्रेस में एक स्पोर्ट्स कॉलमिस्ट हैं, बहुत पैसा कमा चुके हैं, बहुत अमीर आदमी बन चुके हैं। वहीं उनके टीचर मोरी शॉर्ट्स, जिन्हें एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस ALS नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें आपके मसल्स काम करना धीरे धीरे बंद करते जाते हैं, धीरे धीरे आप डिपेंडेंट होते जाते हो लोगों के ऊपर, धीरे धीरे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, आपके लिए हाथ हिलाना तक भी मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी सांस आपकी इस बॉडी के अंदर कैद होके रह जाती है और आप ये दुनिया छोड़कर चले जाते हो। ये नॉवल जो कि कहानी है ऐसे इंसान की जो मर रहा है, बट एक्चुअल में दिस नॉवल इज अबाउट लाइफ। दिस नॉवल इज अबाउट लर्निंग हाउ टू डाई, देन यू विल लर्न हाउ टू लिव। ये नॉवल जिसमें बहुत ब्यूटीफुली एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप दिखाया है। एक ऐसा टीचर जिसे एक बहुत भयानक बीमारी है, वो मर रहा है, उसके बावजूद भी वो कितना लाइवली है, कितना कॉन्फिडेंट है और कितना प्यार वो लोगों में बांट रहा है। ये नॉवल जिसे नाम ट्यूजडेज विद मोरी इसलिए मिला क्योंकि स्टूडेंट और टीचर मोरी शॉर्ट्स और मिच एल्बम हर ट्यूजडे को मिलते हैं, और मोरी जिसका हीब्रू में मतलब होता है माय टीचर, वहीं से मोरी ने इस नॉवल के लिए नाम मरने से पहले ही डिसाइड कर दिया था। ये नॉवल जिसमें बहुत ब्यूटीफुली डेथ को डिस्क्राइब किया गया है। इस नॉवल में जो सबसे मेन टीचिंग है वो ये है कि अगर आप ये सीख लें कि डेथ को कैसे फेस करना है, इफ यू विल लर्न हाउ टू डाई, देन यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू लिव। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर आप डेथ को एक्सेप्ट कर लें कि हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है। 14 ट्यूजडेज को ये दोनों मिलते हैं और 14 ट्यूजडेज को अलग अलग लाइफ के लेसन्स पर बात होती है। अगर मिच की बात करें तो मिच को बनना था एक म्यूजिशियन, पर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मोरी ने किया था सपोर्ट। उन्होंने कहा था कि पैसे के पीछे कभी मत भागना, हमेशा रिलेशनशिप्स बनाना, रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना और अपने ड्रीम को फॉलो करना। जब मोरी ने उसे सपोर्ट किया तो एल्बम बहुत इमोशनल हो गया था, पर उसके लिए इमोशंस को डिस्प्ले कर पाना एक्चुअल में बहुत मुश्किल था। वो एक ऐसा इंसान था जो कि इमोशंस इजीली डिस्प्ले नहीं करता था। मिच की फैमिली में उसके अंकल की डेथ हो गई कैंसर के कारण, दो छोटे छोटे बच्चों को वो छोड़ कर चले गए। तब मिच को लगा कि पैसा एक्चुअल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसके बाद मिच ने पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया। 16 साल पहले जब ग्रेजुएशन हुई थी, तब ग्रेजुएशन डे पर उसने अपने टीचर को प्रॉमिस किया था कि वो उनके साथ टच में रहेगा। दोनों का एक बहुत अच्छा रिश्ता था। जी हाँ, पहले भी ये दोनों ट्यूजडे को मिलते थे क्योंकि ट्यूजडे को मोरी फ्री होते थे, तब मिच उनके ऑफिस में जाता था। कभी कभी ये लोग कैंटीन में मिलते थे, कुछ खाते खाते मिच की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे। मोरी जो कि सोशियोलॉजी के टीचर थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे। अगर उनकी पर्सनालिटी की बात करें तो वो शॉर्ट हाइटेड थे, बाल थोड़े कम थे, दांत बाहर निकले हुए थे, बहुत जोर जोर से हंसते थे, खाते हुए खाना बाहर निकल जाता था जो कि मिच को अच्छा नहीं लगता था। वो कई बार सोचते थे कि टिश्यू से उनका फेस वाइप कर दें, पर इमोशंस डिस्प्ले नहीं कर सकते ना, इसलिए चुपचाप बैठे रहते थे। मोरी को डांस करना बहुत पसंद था। डांस वो बहुत अच्छा करते थे या नहीं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, वो दिल से डांस करते थे। वो भूल जाते थे कि आसपास कुछ एग्जिस्ट भी करता है। जब मोरी डांस करते थे तो उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये एक बहुत रिनाउंड सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने हमेशा लोगों में इन्वेस्ट किया, हमेशा लोगों को प्यार दिया, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, सबकी बातों को सुना। पैसे के पीछे वो कभी नहीं भागे। उन्हें स्विमिंग करने का शौक था, घूमने का शौक था, बातें करने का शौक था, और वो एक बहुत ही इमोशनल इंसान थे। कभी कभी मिच को ऐसा भी लगता था कि वो मोरी से कहे कि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो मोरी को प्यार करते हैं, पर वो कभी ऐसा नहीं कह पाए। एक दिन मिच जब टीवी स्क्रॉल कर रहे थे तो टीवी चैनल पर उन्होंने देखा अपने टीचर को
जो कि व्हीलचेयर पर है, बहुत ज्यादा फ्रिजाइल, बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। उसे पता चला कि उसके टीचर जो कि मर रहे हैं, 16 साल पहले किया था प्रॉमिस उनसे मिलने का और आज तक वो प्रॉमिस नहीं निभा पाया। उस दिन मिच ने डिसाइड किया था कि वो अपने टीचर से मिलने जाएगा और 700 मील दूर वो मैसाचुसेट्स गया अपने टीचर से मिलने। उसने एक कार ली और उनके घर तक तो पहुंच गया, पर मिलने जाने की हिम्मत वो कर नहीं पा रहा था 16 साल के बाद। ऐसे लगता है ना कि आप कैसे किस सवाल का जवाब दे पाओगे। पर जब मिच उनके सामने गया तो उन्होंने पूरी ताकत के साथ मिच को हग कर लिया था, स्माइल आ गई थी फेस पर और उन्होंने मिच से कोई शिकायत नहीं की थी। मोरी जिन्हें डांस करने का शौक था, स्विमिंग करने का शौक था, चल नहीं पाते थे, कपड़े तक चेंज नहीं कर सकते थे, लाइफ को उसके बावजूद भी बहुत पॉजिटिवली ले रहे थे। खाने का बहुत शौक था पर अब खाना उनके लिए बहुत ही लिमिटेड हो गया था, बहुत ही लिमिटेड सेमी सॉलिड चीजें ही खा पाते थे, बट फिर भी लाइवली बहुत ज्यादा थे। मोरी अपनी बीमारी को एक कैंडल के साथ रिप्रेजेंट करते थे, एक बर्निंग कैंडल जो धीरे धीरे जलती जा रही है। ऐसे ही उनकी लाइफ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, पर उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने आप को बनाएंगे एक मीडियम ऑफ रिसर्च। लाइफ में उन्होंने जो लेसन सीखे हैं वो सबको सिखाएंगे, एक ओपन बुक बन जाएंगे। मोरी ने जिंदगी को देखने का अपना नजरिया बदल लिया था। उनकी केन वॉकर में बदल गई, उसके बाद वो व्हीलचेयर पर आ गए। वो पी भी नहीं कर पाते थे पर वो किसी से हेल्प मांगने में कभी भी अशेम्ड फील नहीं करते थे। उन्हें बस एक चीज से डर लगता था, उस दिन से जब वो बोल नहीं पाएंगे और जब उनकी आस किसी और को वाइप करनी पड़ेगी। पर इसका भी सॉल्यूशन मोरी ने ढूंढ लिया था। उन्होंने कहा था कि जब वो बोल नहीं पाए तो आप उनसे सवाल पूछे यस और नो में, वो सर हिलाकर जवाब दे देंगे और जब ये स्टेज आ जाएगी जब उनकी आस किसी और को वाइप करनी पड़ेगी तब वो समझ जाएंगे कि वो एक छोटे से बच्चे बन गए हैं। वो इन सबको एंजॉय करेंगे, वो अपने आप को बहुत लकी समझेंगे। हर कोई बच्चा बनना चाहता है ना, वो एक्चुअल में एक छोटे से बच्चे बन जाएंगे जिनका हर काम बाकी लोग करेंगे, उन्हें पैम्पर करेंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे और उनकी आस तक वाइप करेंगे। वो इस सब को भी एंजॉय करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। उस दिन के बाद इन दोनों ने शुरू कर दिया था एक रूटीन। हर ट्यूसडे को ये दोनों मिलते थे। मिच के न्यूज़पेपर में स्ट्राइक चल रही थी इसलिए वो मैनेज कर पा रहे थे। हर ट्यूसडे को वो जाते थे मोरी के घर और वहाँ पर हर हफ्ते हर ट्यूसडे को एक अलग टॉपिक पर बात करते थे। मिच ने वो सारी टॉपिक्स लिख लिए थे, नोट डाउन कर लिए थे कि क्या क्या क्वेश्चंस उसे मोरी से पूछना है। एक बार फिर से पढ़ाई शुरू हो गई थी। मिच मोरी से क्वेश्चंस पूछते थे और मोरी उनके जवाब देते थे। एक लाइफ का लेसन मिच को सिखाते थे। उसके बाद एक ओरल टेस्ट होता था, टास्क भी दिया जाता था टीचर को कंफर्टेबल फील करवाने का, और अगर जाते हुए गुड बाय किस दी तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते थे। ये जो 14 ट्यूसडेज मोरी के साथ मिच एल्बम ने बिताए उसने मिच की पूरी लाइफ बदल दी थी। मिच को लाइफ का एक नया मतलब, एक नया मीनिंग मिल गया था, एक नई डायरेक्शन मिल गई थी। जी हाँ, मोरी ने मिच से कहा था कि इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए पर चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा देर तक क्लिंग भी करके उनके साथ चिपक कर भी नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग लेसन्स मोरी ने मिच को बताए थे और एक्चुअल में ये नॉवल इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप एक बार पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके लिए इसे छोड़ पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही टची, बहुत ही मीनिंगफुल नॉवल है ये। अमूमन क्या होता है, अगर कोई इंसान मर रहा होता है उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसी बीमारी है, इतनी भयानक बीमारी कि वो धीरे धीरे बेडरिडन हो जाएगा, धीरे धीरे उसे एक स्लो डेथ जीनी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत उदास हो जाते हैं, हम रोते रहते हैं, हम अपसेट रहते हैं और जो जिंदगी बची होती है उसे हेल बना लेते हैं। पर मोरी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्हें जब डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ALS हो गया है और उनके पास सिर्फ 2 ही साल बचे हैं, तब मोरी ने सोचा कि उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो इस बची हुई जिंदगी को भी मर कर गुजारे या फिर इस बची हुई जिंदगी को इस तरह जिंदा दिली के साथ जिए कि लोगों के लिए एक लेसन बन जाए। मोरी ने अपनी जिंदगी को लोगों के लिए एक मिसाल बना दिया था। वो लोगों से बात करते थे, अपने दोस्तों से बात करते थे, अपने चाहने वालों से बात करते थे, हर किसी को बहुत पॉजिटिव मैसेजेस देते थे, जिंदगी को बहुत करीब से देख रहे थे। उनका कहना था कि वो एक ब्रिज पर हैं, लाइफ से डेथ की तरफ जा रहे हैं और वो इस जर्नी को बहुत पीसफुली कवर करना चाहते हैं। लोगों से जानना चाहते थे कि कैसा लगता है जब आप मर रहे होते हो। तो मोरी इन सभी सवालों के बहुत ही
पीसफुली आंसर देते थे। मौरी अपने दोस्तों से बात करते थे। एक दिन मौरी ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे लाइफ के कोट्स लिखे और उनके दोस्त ने उन सभी कोट्स को पब्लिश करा दिया, एक बुक बन गई। और तब टीवी का एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर मौरी के घर आया मौरी का इंटरव्यू लेने, पर मौरी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुम पास हुए तभी मैं तुम्हें इंटरव्यू दूंगा। मौरी ने मित से कहा कि हमारी लाइफ कैसे चल रही है, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हमें अपने आप से पूछने होंगे 3 सवाल। क्या आपके पास वो लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी से सैटिस्फाइड हो? क्या आप सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो? अगर इन 3 सवालों का जवाब आपके पास है, अगर इन 3 सवालों के जवाब से आप सैटिस्फाइड हो, तो आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। मिच जो कि मौरी को हमेशा से कोच बुलाते थे, और वो मिच को एक प्लेयर, इन लोगों ने 14 ट्यूजडे तक जो लाइफ के लेसन पर बात की उससे मिच ने बहुत कुछ सीखा था। जी हाँ, जल्दी से मैं आपको बताऊंगी वो 14 ट्यूजडे किन टॉपिक्स पर बात हुई। सबसे पहले ट्यूजडे को बात हुई वर्ड के ऊपर। जब आप मर रहे होते हो तो क्या आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो? मौरी जो कि आजकल बहुत दूर बैठे लोगों की तकलीफ देखकर भी रो पड़ते थे, उन्होंने मिच से कहा था कि इमोशंस को डिस्प्ले करना अच्छा होता है। मौरी ने कहा कि इट इज ऑलवेज ओके टू क्राई एंड ओपन अप। आपके मन में जो बात है आपको वो कह देनी चाहिए। मिच जो कि कभी भी इमोशनल नहीं हो पाते थे, अपने इमोशंस को डिस्प्ले नहीं कर पाते थे, आज मिच ने अपने टीचर को हग किया, किस किया। अगले ट्यूजडे को बात हुई फीलिंग्स के बारे में। उन्होंने कहा कि वो बहुत लकी फील करते हैं कि एटलीस्ट उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने चाहने वालों को गुड बाय कहकर जा सके। बहुत सारे लोगों को तो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है। तीसरे ट्यूजडे को इन लोगों ने बात की रिग्रेट्स के बारे में। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लेटर ऑन रिग्रेट करते हैं, उस टाइम हम वो सब कुछ सोच नहीं पाते। मौरी ने मिच को बताया उनके एक दोस्त के बारे में जो कि उनके बहुत क्लोज था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, पर जब मौरी की वाइफ बीमार हुई और वो देखने नहीं आए तो मौरी को बहुत बुरा लगा। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त के साथ रिश्ता तोड़ दिया, और जब उन्हें लेटर ऑन पता चला, जब उन्होंने लेटर ऑन बात करने की कोशिश की तो पता चला कि उसकी डेथ हो गई है कैंसर के कारण। उनके पास माफी मांगने तक का टाइम नहीं था और ये चीज वो बहुत रिग्रेट करते हैं। इसलिए हमें जो करना है कर लेना चाहिए ताकि हमें लेटर ऑन रिग्रेट ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्यार हमेशा दिल खोल कर किया जा सकता है, कभी भी शो ऑफ करके किसी को प्यार नहीं मिलता है। अगले हफ्ते उन लोगों ने बात की डेथ के बारे में। डेथ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। डेथ एक ना एक दिन हर किसी के पास आनी ही है। हमें इमेजिन करना चाहिए कि हमारे शोल्डर पर एक बर्ड है और उससे हमें पूछना चाहिए आर वी रेडी। इससे लाइफ की तरफ हमारा प्रोस्पेक्टिव बदल जाएगा। इफ वी विल लर्न हाउ टू डाई देन वी विल लर्न हाउ टू लिव। अगले ट्यूजडे इन लोगों ने बात की फैमिली के बारे में। फैमिली जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हमारे दोस्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत सारे और रिलेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, बट सबसे क्लोज हमारे होती है फैमिली। जब हम डिप्रेस होते हैं तो क्या हमारे दोस्त रात को आकर हमारा हाथ पकड़ कर बैठ सकते हैं? क्या हमें वो कम्फर्ट दे सकते हैं? जो फैमिली दे सकती है वो कोई नहीं दे सकता, इसलिए फैमिली को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। मौरी ने कहा कि हमें किड्स जरूर करने चाहिए, हमारे बच्चे जरूर होने चाहिए, क्योंकि एक अलग टाइप की फीलिंग होती है किसी को इतना प्यार देना और वो प्यार वापस पाना। अगले हफ्ते इन लोगों ने बात की फीलिंग्स के बारे में। मौरी का इसके ऊपर एक अलग ही नजरिया था। उन्होंने कहा कि पहले हमें फीलिंग्स को फुली पेनिट्रेट होने देना चाहिए, हमें उन फीलिंग्स में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए, उसके बाद हमें सीखना चाहिए उन फीलिंग्स के साथ डिटैच होना। डिटैचमेंट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम किसी चीज पर क्लिंग होकर रहते हैं तो हम उसे कभी छोड़ नहीं पाते और वो चीज हमारे लिए एक दर्द बन जाती है। उन्होंने मिच से ये भी कहा कि वो डर के साथ जाना नहीं चाहते, पीसफुली जाना चाहते हैं। अगले हफ्ते इन लोगों ने बात की फियर ऑफ एजिंग के ऊपर। हमें बहुत डर लगता है ना बड़े होने से, या फिर अगर हमारी एज बड़ी हो जाती है तो हमें जाने से बहुत डर लगता है। पर मौरी का कहना है कि अगर आपने एक अच्छी लाइफ नहीं जी है तभी आपको उस उम्र से अपनी ओल्ड एज से तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अगर आपने एक अच्छी लाइफ जी है तो आपने लाइफ के वो सारे एक्सपीरियंस किए हैं, आपको वो सब कुछ मिला है जो आज एक यंग पर्सन को मिल रहा है। आप भी तो पहले ऐसे भाग सकते थे, आप भी तो पहले ऐसे खेल सकते थे और आपने ऐसा किया है, तो फिर रिग्रेट क्यों? आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आपके पास
ज्यादा किस्से हैं सुनाने के लिए, आपके पास ज्यादा बातें हैं करने के लिए, लोगों को देने के लिए आपके पास ज्यादा लेसन हैं, आपका एक्सपीरियंस जो आपको एज से मिलता है, तो आपको एजिंग को एंजॉय करना चाहिए। अगले हफ्ते बात हुई मनी के ऊपर। मनी से हम सब कुछ तो नहीं खरीद सकते, क्या रिलेशनशिप्स मनी से खरीद सकते हैं? उन्होंने हमेशा रिलेशनशिप्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है, डांसिंग को, सिंगिंग को, म्यूजिक को, स्विमिंग को, अपनी जो इच्छाएं थी उन सबको पैसे से ज्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। उनका कहना था कि हमें नीड और वांट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो हमारे लिए चीजों को डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। हमें खाना चाहिए, बट व्हाट वी वांट चॉकलेट्स, वी वांट चॉकलेट आइसक्रीम्स, वी नीड अ हाउस बट वी वांट अ पैलेस। तो अगर हम नीड और वांट के बीच में डिफरेंस कर लेना, अगर हम सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एफर्ट्स करें, वांट के बारे में ज्यादा ध्यान ना दें, तो हम मनी को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जितनी हम आज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनी हमें, मटेरियलिस्टिक चीजें हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। किसी को अगर हम कुछ देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो पैसे से कभी नहीं मिलती, इसलिए रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कीजिए। उन्होंने कहा कि वो अपनी ट्यूमस्टोन पर लिखना चाहते हैं, अ टीचर टू द लास्ट। इन ट्यूसडेज के दौरान मौरी दिन पर दिन वीक होते जा रहे थे। पहले वो उठकर वॉशरूम तक चले जाते थे सर्वेंट की हेल्प से और वहां जाकर पी करते थे। उसके बाद उन्होंने अपने बेड के पास ही एक बीकर में पी करना शुरू किया। बीकर किसी और को होल्ड करना पड़ता था और हैरानी की बात यह है कि इस सब से मिच बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होता था, हालांकि उसने खुद वॉलंटियर किया था बीकर को होल्ड करने के लिए। बाद में यूरिन बैग उनके साथ अटैच कर दिया गया था जब वो उठकर बीकर में भी पी नहीं कर पा रहे थे। इस सब के दौरान मिच को बहुत सारी चीजें मौरी के लिए करनी पड़ती थी, वो अपना सर भी ठीक से तकिए पर एडजस्ट नहीं कर पाते थे। मिच उनके लिए ये भी करते थे, कभी कभी उनके पैर दबाते थे, उनके पैरों पर ऑइंटमेंट लगाते थे, पैर वो हिला तो नहीं पाते थे, हाँ पेन जरूर होता था। अगले ट्यूसडे बात हुई प्यार के ऊपर, लव जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें प्यार बांटना चाहिए, प्यार देना चाहिए, और जब प्यार मिलता है तो वो फीलिंग अलग ही होती है। उसके अगले ट्यूसडे बात हुई मैरिज के ऊपर। मौरी के हिसाब से मैरिज बहुत इम्पोर्टेंट है, मैरिज को हमें वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाने का गुरु मंत्र दिया मौरी ने मिच को। उन्होंने कहा कि एक अच्छी मैरिज के लिए सबसे पहले आपको बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप चेंज के लिए तैयार होने चाहिए, आपको अपने पार्टनर के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना चाहिए, बहुत बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए, और बहुत जरूरी है कि आप दोनों के कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज होने चाहिए। अगर वैल्यूज डिफर करेंगे तो रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को डिस्प्ले करना चाहिए, तभी आपकी मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है। किसी से भी मैरिज करने से पहले आप पूछ सकते हैं अपने आप से कुछ सवाल, आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से, और क्या आप उस नए इंसान को, नए मेहमान को अपनी लाइफ में अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं? अगले ट्यूसडे बात हुई कल्चर के ऊपर। कल्चर जो कि ये सोसाइटी बनाती है, कल्चर अच्छा है, कल्चर को फॉलो करना चाहिए, बट एक लिमिट तक ही। हर इंसान अच्छा होता है, पर ये कल्चर, ये सोसाइटी उसे एक बुरा इंसान बना देती है। हर किसी को अपना एक अलग कल्चर बनाना चाहिए। जो छोटी छोटी चीजें हैं वो जरूर फॉलो कीजिए, जैसे कि रूल्स फॉलो कीजिए, बट बड़ी बड़ी चीजों को फॉलो मत कीजिए। अगर सोसाइटी कहती है कि आप गरीब हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप मोटे हैं, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है, आपकी कार अच्छी नहीं है वो बाकी लोग डिसाइड क्यों करें, आप अपना कल्चर खुद बनाइए। लोग क्या सोचेंगे बिल्कुल मत सोचो, वो करो जो आप करना चाहते हो। ऐसी जिंदगी बनाओ, ऐसी कम्युनिटी बनाओ जो आपको प्यार करे। बॉडी डिके चाहे हो जाए, पर अपनी स्पिरिट को डिके मत होने दो। अगले हफ्ते इन लोगों ने बात की फॉरगिवनेस के बारे में। हमें हर किसी को माफ कर देना चाहिए और साथ साथ हमें अपने आप को भी माफ करना चाहिए। जैसे मौरी ने बताया था, उनका दोस्त जिन्हें वो माफ नहीं कर पाए, अभी तक वो रिग्रेट करते हैं। उन्होंने मिच से कहा कि उन्हें हर किसी को माफ कर देना चाहिए, साथ साथ अपने आप को भी माफ करना चाहिए। वो गलतियां जो हमने की हैं, जब हम किसी को माफ नहीं कर पाए या हम
कोई डिसीजन सही नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, हमें अपने आप को माफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट ट्यूसडे बात हुई परफेक्ट डे के ऊपर। मौरी से पूछा मिच ने कि उनके हिसाब से एक परफेक्ट डे क्या होता है। तब मौरी ने कहा कि उनके हिसाब से वो परफेक्ट डे होता है जब वो आराम से सुबह उठें, मॉर्निंग वॉक करने जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट करें, कॉलेज जाएं, पढ़ाएं, घर आएं, चाय पिएं, रात को अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करें, डांस करें और एक अच्छी सी नींद सो जाएं। कितने सिंपल है मौरी, कितनी सिंपल उनकी नीड्स हैं, कितनी सिंपल लाइफ वो जीना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक अच्छे रिलेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये कोई बिजनेस नहीं है। हमें अपने पार्टनर को स्पेस देना चाहिए, उसे उसकी जिंदगी जीने देनी चाहिए। और अब आ गया है लास्ट ट्यूसडे, गुड बाय। मिच को गुड बाय कहना नहीं आता। मिच ने कभी किसी को इस तरह से गुड बाय नहीं कहा है। उस दिन मौरी बहुत ज्यादा बीमार थे, वो उठ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, हाथ भी हिला नहीं पा रहे थे। हल्का सा फिंगर हिलाकर उन्होंने मिच को इशारा किया और मिच ने उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मिच ने आज मौरी को किस किया और उनकी आंखों में मौरी को देखकर आज आंसू आ गए थे। आज वो ओपनली रो पा रहे थे। मौरी ने उन्हें फीलिंग्स डिस्प्ले करना, इमोशंस डिस्प्ले करना सिखा दिया था। दो दिन के बाद मौरी कोमा में चले गए और उसके एक दिन के बाद जब वो बिल्कुल अकेले थे, उनकी वाइफ और उनके फ्रेंड्स खाना खाने गए थे, तब उन्होंने पीसफुली इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने मिच को एक बात और कही थी कि हमें अपने लव्ड वन के साथ कनेक्ट होकर रहना चाहिए, इट इज नेवर टू लेट। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल की समरी बहुत पसंद आई होगी। आपका मन कर रहा होगा इस नॉवल को पूरी तरह पढ़ने का। पूरी नॉवल को एंजॉय जरूर कीजिए। बहुत कुछ और है जो कि समरी में मैं कवर नहीं कर पाई हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, नॉवल बहुत अच्छी है, जरूर पढ़िएगा। और इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीक एक और इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आई विल बी बैक सून विद लॉट मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। बाय बाय।